रोजगार हासिल करने का वजीफ़ा रोज़गार हासिल करने के लिए कौन सा वजीफ़ा बेहतर है मोहम्मद शहज़ाद रहीम यार खान देखो रसूल अल्लाह वसलम ने इशाद फरमाया कि रात का जब आखिरी हिस्सा होता है तो अल्लाह ताली आसमान दुनिया पर आते हैं और तीन निदाएँ लगाते हैं एक निदा हल में मुस्तफ़ीन अफ़िरलहू कोई है मुझसे गुनाहों की माफ़ी मांगने वाला जिसके मैं गुनाहों को माफ़ करूं हल में मुस्तरज़कीन अरज़ुकूला कोई है मुझसे रिज् तलब करने वाला कि मैं उसको रोज़ी दूँ तो इससे पता चलता है कि रात के आखिरी हिस्से में अगर आप तहजद के दो रकत पढ़ के अल्लाह से दुआ मांगें अल्लाह मुझे कुशादा रिज़ हलाल नसीब फरमा और दुआ के साथ साथ कोशिश भी करें ऐसा नहीं कि दुआ मांग के फिर फजर पढ़ के फिर लंबे सो गए जहर तक पड़े सोते रहे फिर जहर के बाद उठे देखा कि अभी तो टाइम है तो फिर दोबारा खाना खा के सो गए और फिर आप फिर रात को तहजुद में उठ के दुआ मांग रहे हैं मेरा मुझे अल्लाह कुशादा रस्क़ हलाल नसीब फरमा तो ये दुआ के साथ एक किस्म का मजाक है तो मेहनत करनी पड़ेगी आपको रस्क़ हलाल के जो जराए हैं वसाइल हैं वो भरपूर तरीके से इस्तेमाल करें उसके बाद फिर रात के आखिरी हिस्से में अल्लाह से उठ के दुआ मांगें तो अल्लाह ताली उस वक्त निदा लगाते हैं अल्लाह से बहुत उम्मीद है कि आपको इन श्ला रिस्क़ हलाल मिलेगा रोज़गार मिलेगा और बाकी इसके लिए और भी लोग वजीफ़े बताते हैं तो यार रजाक पढ़ लिया करें ए रोज़ी देने वाले इससे या रजाक भी एक तरह की दुआ है दिन भर चलते फिरते जितना अल्लाह तोफीक दे या रज़ाक या रज़ाक इसका विरत कर लिया कर लिया करें